हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं रिव्यू एंड स्वॉचेस करने वाली हूँ बायोटीक की ये वाली लिपस्टिक्स का। ये मैजिक कलेक्शन की लिपस्टिक्स हैं, दीज आर कॉल्ड द मैजिक कलर लिपस्टिक, एंड इनका रिव्यू एंड स्वॉच हम करेंगे आज। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनके बारे में जानने के लिए, देन प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो। एंड ऑल्सो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना, इट्स योर विश। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एज यूजुअल हम सारे के सारे शेड्स के देख लेंगे स्वॉचेस, एंड उसके बाद हम करेंगे इसको रिव्यू। सो हियर आर द स्वॉचेस। अभी देख लेते हैं कि लिपस्टिक्स एक्चुअली में हैं कैसी। सो बायोटीक ने अपना नेचुरल मेकअप लॉन्च किया है, तीन रेंजेस में है, मैजिक कलेक्शन, स्टार कलेक्शन एंड डीवा कलेक्शन। मैंने मैजिक कलेक्शन के जो कॉम्पैक्ट और पाउडर है वो ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है अपने चैनल पे, मेक श्योर कि आप उसको देख लो, यहाँ पर देख लेना। एंड मैंने सोचा था लिपस्टिक्स क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाता है तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको सेपरेटली रिव्यू कर देती हूँ और स्वॉच कर देती हूँ। तो मैजिक कलेक्शन के जो लिपस्टिक्स हैं, दीज आर द चीपेस्ट, 125 रुपीज की आती हैं ये, 15 शेड्स में इन्होंने लॉन्च करी है, अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, अगर गलत बोल रही हूँ तो राइट नंबर्स यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। ये इस तरीके की कार्डबोर्ड बॉक्स वाली पैकेजिंग में आती है जो कि सेम है थ्रू आउट द रेंज। दिस इज हाउ द बुलेट लुक्स लाइक, आई काइंड ऑफ लाइक द पैकेजिंग ऑन दीज, काफी अच्छी प्लास्टिक है और काफी अच्छी फिनिश है बुलेट्स की। सो दीज आर क्रीमी लिपस्टिक्स, बट इनका जो फॉर्मूला है वो कंसिस्टेंट नहीं है थ्रू आउट, कोई जो है बहुत ज्यादा क्रीमी है, कुछ एक दो शेड जो है वो थोड़े से मैट फील होते हैं जब आप उनको अप्लाई करते हो, थोड़ा सा टग होगा, पुल होगा, बट ओवरऑल सारी की सारी लिपस्टिक्स जो है काफी मॉइस्चराइजिंग है। ये जो शेड है प्रिटी वेनम, जैसे ये एक थोड़ा सा मैटी नहीं क्रीमी मैट है, मैटी क्रीम बोल रही हूँ, क्रीमी मैट है, बट कुछ लिपस्टिक्स
ऐसी हैं जो कि एकदम ऐसा लगेगा जैसे लिप बामी कंसिस्टेंसी की होती है ना, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी. सो कुछ ऐसी हैं. पिगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो एक ही स्वाइप में कुछ तो जो है वो आपको एकदम परफेक्ट फिनिश दे देंगे, एकदम परफेक्ट कलर दे देंगी, बट कुछ जो है वो आपको कई सारे स्वाइप्स करने पड़ेंगे टू गेट द डिजायर्ड कलर. सो यू नो इनकंसिस्टेंट है फॉर्मूला थ्रू आउट द लिपस्टिक्स. कोई बहुत ज़्यादा क्रीमी है, कोई नॉर्मल क्रीमी है, कोई थोड़ी सी मैट साइड पे है. सो दैट इज समथिंग दैट प्रोबेबली कलर पे भी डिपेंड करता है. बट हाँ, 3-4 शेड्स ऐसे थे जो मुझे थोड़े से ऐसे पुल करना पड़ा. दीज डू ट्रांसफर, तो ये आपके लिप्स पे ट्रांसफर होती हैं. अब आप मुझसे पूछोगे पैराबेंस है कि नहीं है, तो ये हमें भी नहीं पता बिकॉज बायोटिक ने अपनी वेबसाइट पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है इनके इंग्रेडिएंट्स, तो हमें नहीं पता कि इनके अंदर क्या गया हुआ है. बट ओवरऑल लिपस्टिक्स डू फील वेरी मॉइस्चराइजिंग. अगर विंटर्स के लिए आपको लिपस्टिक देख रहे हो सस्ती रेंज में, यू कैन ट्राई दीज आउट बिकॉज मॉइस्चराइजिंग है, कलर पे ऑफ भी अच्छा है एंड लिप्स पे अच्छा लगता है. सो या यू कैन ट्राई दिस आउट. ओनली थिंग इज कि इंग्रेडिएंट्स नहीं है एंड द सेकंड अनोइंग थिंग इज कि इनमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेल वाली फ्रेग्रेंस है. तो अगर आपको फ्रेग्रेंसेस से प्रॉब्लम है तो आपको इनसे दूर रहना है. अदरवाइज आपका अगर हेडेक होता है या यू डू नॉट लाइक फ्रेग्रेंसेस आपके कॉस्मेटिक्स में इन जनरल, तो फिर स्किप दीज बिकॉज आपको नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोगरा काइंड ऑफ यू नो तेल वाली फ्रेग्रेंस है इनमें. सो दैट इज इट अबाउट दीज लिपस्टिक्स. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो. लगा है तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है. एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.